सेवा जोहारी एवरीवन। तो चलिए एवरीवन, आज बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फार्मूला के बारे में कि हर कोई व्यक्ति के पास पैसे कहां से आता है। उसका एक बहुत ही सिंपल फार्मूला बनाया है रॉबर्ट डी कियोसाकी ने, ESBI। तो उसका हम संक्षेप में बात कर लेते हैं। ई अर्थात इम्प्लॉय, नौकरी या फिर नौकर बोल सकते हैं उसको। तो उसके पास हर महीने नौकरी के माध्यम से पैसे आते हैं। उसके बाद दूसरा हो गया एस अर्थात सेल्फ एम्प्लॉय, जो अपना खुद का काम करता है, खुद पैसे कमाता है। जैसे हो गया पान ठेला वाले को बोल सकते हैं, मोबाइल दुकान वाले को बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे दुकान वाले जो सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। उसके बाद हो गया बी अर्थात बिजनेस मालिक, जैसे अमेजॉन के संस्थापक जो है जेफ बेजोस, वो बिजनेस मालिक है। मार्क जुगरबर्ग जो है वो बिजनेस मालिक है। बिल गेट्स जो है वो बिजनेस मालिक है। अंबानी जो है वो बिजनेस मालिक है। अडानी जो है वो बिजनेस मालिक है। और आई अर्थात इन्वेस्टर, ज्यादातर हम देखते हैं कि एम्प्लॉय वर्ग के जो लोग हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनका खर्चा जो है उनके नौकरी के बराबर होता है, तो वो जो इन्वेस्ट नहीं कर पाते। दूसरा हो गया सेल्फ एम्प्लॉय, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता। और बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस में पैसे लगा के तुरंत इधर इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्ट करने के बाद इन्वेस्टमेंट के तरफ से भी उसके पास पैसे आते हैं और बिजनेस के तरफ से भी पैसे आते हैं, क्योंकि वो ऐसा बिजनेस स्थापित करता है जिससे उसको वहाँ निरंतर खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब वहाँ उसको एक्टिव रहने का जरूरत नहीं पड़ता। उसका बिजनेस भी पैसे देता है और उसका इन्वेस्टमेंट भी पैसे देता है। अब आप देख लीजिए सगाजन कि आप कौन से श्रेणी में रहना चाहते हैं, ई की एस की बी की आई। अगर आप आई में रहना चाहते हैं, इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो मैं नीचे ग्रो ऐप का लिंक दे दूंगा, वहां पर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सेवा जोहर, गुरु जोहर, गोकुल जोहर।